हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ये क्रॉस स्टिच बनाना सिखाऊंगी प्लेन कपड़े पर। अगर आपको क्रॉस स्टिच जो है वो जो उसका पर्टिकुलर कपड़ा होता है जो चार सूती या दो सूती कहलाता है, अगर आप उस पर बना रहे हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो बहुत ईजी होता है। आप ईजिली सारे जो नंबर्स हैं डिज़ाइन के वो काउंट करके अपने कपड़े पर ईजिली आप अपने स्टिच कर सकते हैं। लेकिन जब आपको प्लेन कपड़े पर आप बनाना हो, जैसे कि आजकल काफ़ी चल रहा है डिज़ाइन, तो फिर आपको मुश्किल होती है। वो मुझे भी ये प्रॉब्लम थी, इसलिए कि यहाँ मैं पाकिस्तान से जैसे बाहर रहती हूँ तो मैं छपवा नहीं सकती हूँ डिज़ाइन। इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश में भी डिज़ाइन आप जाके छपवा सकते हैं, लेकिन जो बाहर रहते हैं लोग या जिनको अवेलेबल नहीं है डिज़ाइन किस तरह छपवाया जाता है, तो ये कर सकते हैं कि आप गूगल से कोई सा भी प्रिंट निकाल लें, जो भी आपको डिज़ाइन बहुत पड़े हुए हैं, आप गूगल पर जाके क्रॉस स्टिच पैटर्न गूगल करें तो उस पर डिफरेंट डिज़ाइंस आ जाते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे वो आप प्रिंट आउट निकाल लें। अगर आपके पास कलर प्रिंटर है तो बहुत ही अच्छा है, उसमें जो कलर्स दिए हुए हैं वही प्रिंट निकल आएगा, तो आपको अपना धागा चूज़ करने में आसानी होती है। लेकिन मेरे पास कलर प्रिंटर नहीं है तो मैंने ये ब्लैक एंड वाइट निकाल लिया, लेकिन इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आपको कलर चाहिए आप अपने हिसाब से इसमें कर लीजिए। मुझे ये पूरा रेड बनाना है ट्यूलिप, और ये डार्क ग्रीन है, इसमें दो शेड्स हैं ग्रीन के, ये लाइट है और ये डार्क है, तो डार्क में मैंने कलर कर लिया ताकि जब मैं काउंट करूँ अपने स्क्वायर्स तो मुझे पता हो कि मुझे कहाँ डार्क यूज़ करना है। तो ये थोड़ा सा आपको प्रिपरेशन करनी होगी इसके लिए। बहुत आसान होगा, प्रिंट निकाला जो आपने चूज़ किया और फिर जो भी साइज़ रखना है आपको उसी हिसाब से ज़ाहिर आप प्रिंट निकालेंगे। फिर इसके बाद जब आपने डिज़ाइन अपने हिसाब से निकाल लिया, प्रिंट आउट निकाल लिया, तो जो स्क्वायर्स हैं इनके कॉर्नर्स पर आपको थोड़ी सी मोटी सुई लेके, जैसे ये मैंने मोटी सुई ली है, थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा मोटी ना हो, बस थोड़ी ऐसा कि सुराख हो जाए, ये मैंने होल्स कर ली हैं इसमें। तो जहाँ सारा डिज़ाइन था मैंने वहीं होल्स बना ली हैं, लेकिन आपको अंदर भी पूरा करना होगा, इसलिए कि आपको अंदर के स्क्वायर्स भी चाहिए अंदाज़ा करने के लिए कि आपको कहाँ स्टिचिंग करनी है, अपनी एम्ब्रॉयडरी करनी है। ये सारे मैंने जहाँ जहाँ स्क्वायर्स बन रहे हैं उसके कॉर्नर्स पे मैंने होल्स कर लिए हैं। ये लीफ है तो लीफ पे भी मैंने सारे होल्स कर लिए हैं, तो ये आपकी अब समझ में आ जाएगा इजीली, मैंने करके बता दिया आपको। अब मैं जो भी मेरा प्लेन कपड़ा है, मैंने प्लेन वाइट लिया है कपड़ा, इसको मैंने स्टिच कर दिया। आप पिंस भी लगा सकते हैं, इसलिए कि हमें बाद में यह निकाल ही देना है। ये अपने डिज़ाइन के इर्द गिर्द आप इसको सी लीजिए। ये मैंने अपना जो पेपर था ये मैंने सी लिया इसके ऊपर, और ये रफ सा आपको सीना है कि बस ये स्टिच हो जाए, इसलिए कि बाद में हमें इसको निकाल देना है। ये मैंने ऐसे मोटा मोटा स्टिच किया है, ऐसे रफ की तरह, ऐसा बारीक नहीं करें कि आपको निकालना मुश्किल हो, इसलिए कि हमें बाद में ये अपना जो पेपर है ये रिमूव कर देना है। तो आप कोई सा भी पेन पेंसिल ऐसा लीजिए जो कलर अपने कपड़े पर ना फैले जब आपको धोना हो तो, और फिर जो आपने सुराख पहले किए थे वहाँ आप ऐसे करके निशान डालते जाएं। और ये ख्याल रखिएगा कि ऐसे डालें कि आपको पता चले कि कपड़े पे टट्टा छो रहा है पेन या पेंसिल जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, इसलिए कि अगर आपने मिस कर दिया एक तो आपको फिर बनाने में अपनी जो एम्ब्रॉयडरी है वो मुश्किल हो जाएगी। तो इसी तरह आप पूरा जो पैटर्न है वो आप इसी तरह ट्रेस कर लेंगे, और फिर अब हम अपना पेपर जो है ये हटा देंगे, इसलिए कि हमें पैटर्न मिल गया है। ये इस तरह हम करके मैंने पूरा अपना पेपर मुझे निकाल लिया मैंने, अब ये मैंने पूरा पेपर हटा दिया, तो ये देखें ये मैंने जो सुराख ट्रेस किए हैं वो सारा डिज़ाइन आ गया। तब आपको इजीली आप अपना जो है डिज़ाइन बना सकती हैं, और ये पेपर आपको साथ, ये जो भी आपका पैटर्न होगा वो आपको साथ रखना होगा ताकि आप काउंट कर सकें, इसलिए कि ये थोड़ा सा ज़ाहिर है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आपको हमेशा, आपको ये पैटर्न हमेशा क्रॉस स्टिच के साथ जब आप कर रहे हो तो साथ रखना होता है ताकि आप इजीली काउंट कर सकें। अक्सर ये होता है कि आप डिफरेंट शेड यूज़ करते हैं, तो आपको वो शेड यूज़ करने होते हैं कि कितने क्रॉस के कितने स्क्वायर के बाद कौन सा शेड आपको यूज़ करना है। लेकिन यहाँ मैं एक सिंपल बस रेड यूज़ करूँगी इस ट्यूलिप के लिए। लीफ के लिए मैं दो कलर्स यूज़ करूँगी, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ कि वो किस तरह ज़ाहिर है आप चेंज करेंगे। अब मैं आपको फ्लावर का बताती हूँ
कि कैसे बनाएंगे हम। मैं इसको काउंट करूंगी कि 1 2 3 4 5, 5 लाइन मुझे क्रॉस स्टिच की बनानी है, तो मेरा ये फ्लावर का ये पहला पार्ट बनेगा। तो ये यहाँ से मैं शुरू करूँगी। अब कलर जो है वो हमेशा ऐसा लीजिएगा अपने डिज़ाइन जो आपने ट्रेस किया है कि जो बिल्कुल ब्लेंड ना हो जाए, वरना आपको फिर देखना मुश्किल होगा। ये आपको डॉट्स डिफरेंट नज़र आ रहे होंगे, तो ये फोर जो है 1 2 3 4, ये एक स्क्वायर बन रहा है। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया एक कॉर्नर से, और फिर मैं डायगनल ला के यहाँ से फिर दूसरे कॉर्नर पे ऐसे निकाल लिया मैंने। फिर मैं ये जो कॉर्नर का है, ये दूसरा कॉर्नर का जो डॉट है, यानी कि हम चार डॉट्स को एक स्क्वायर काउंट करेंगे, नीचे से ले आए हम। ऐसे ही डायगनल किया, फिर ऊपर ले गए। अब मेरे दो क्रॉसेस बन गए। इसी तरह हमने काउंट किया था 5, तो मुझे 5 बनाने हैं इस लाइन में। अब हम एक फर्स्ट जो लाइन थी हमारी, ये वाली लाइन हो गई है। अब हम सेकंड लाइन में आपको करके दिखाती हूँ। उसमें भी आपको काउंट करना है 1 2 3 4 5, 5, और इसके साथ ये वाला आपको छोड़ना है और फिर यहाँ से स्टार्ट करना है। तो ये चीज़ आपका ख्याल रखना है आपको। जैसे ये वाला स्क्वायर जो है, ये वाला ये छोड़ के हम नीचे से स्टार्ट करेंगे जैसे। और इसमें भी 5 ही हैं मेरे फ्लावर में, तो मुझे 5 ही लेकर जाऊंगी मैं ऊपर तक। तो फिर आप देखेंगे कि डिज़ाइन उसी टाइप का बनेगा जैसे कि पैटर्न मैंने दिखाया है आपको। ये थोड़ा सा बारीक काम होता है, लगता अच्छा है बहुत, ये 3 हो गए हमारे। ये देखिए हमारा ये नीचे चला गया जैसे इसकी तरह है। इसी तरह आप पूरा बना लेंगे डिजाइन। मैं आपको बना के दिखाती हूँ, फिर मैं आपको लीफ बना के दिखाऊंगी कैसा बनेगा। देखिए ये मैंने फ्लावर बना लिया है, एक ही कलर का बनाया है। ये मैंने डंडी जो थी ये थोड़ा सा डार्क ग्रीन कलर की बनाई है, और यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा ये बीच में मैंने डार्क किया थोड़ा सा, और ये ऊपर जो है बाकी लीफ का हिस्सा ये लाइट कलर का है। ये मैंने बहुत ज़्यादा कलर जो है वो इतना डिफरेंट नहीं किया है, ये मैंने ये कलर लिए हैं, थोड़ा सा ही फ़र्क है इनमें। बस लाइट और डार्क इसी तरह आप करते हैं कि बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक किस्म का चेंज नहीं हो, कि ऐसे देखने में काफ़ी कलर में फ़र्क लग रहा है, लेकिन जब आप इसको साथ मिलाते हैं तो अक्सर ज़्यादा होता है कि बिल्कुल ब्लेंड सा हो जाता है, तो ज़्यादा नेचुरल सा लगता है। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा ख्याल रखना होगा शेडिंग में, कि जब आप डिफरेंट शेड यूज़ करेंगे तो अक्सर अगर ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो तो बिल्कुल ही ब्लेंड हो जाता है और कलर फील नहीं होता, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा शेड डिफरेंस रखना होगा। अब जैसे ये वाला लाइट है, तो मैं ये लाइट यूज़ कर रही हूँ। अब फिर मैं
यहाँ लेके जाऊंगी और इन तीन को छोड़ दूंगी। तो ये फर्स्ट वाला जो है ये ऐसे क्रॉस बनाएंगे आप, जैसे कि फ्लावर मैंने दिखाया था आपको। अब इसके ऊपर कुछ नहीं है, इधर भी लाइट है। अब यहाँ पे भी लाइट है मेरा। आप अपनी आसानी के लिए, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर कलर्ड प्रिंटर है तो बहुत ही अच्छी बात होती है, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहती कि आपको कहाँ क्या कलर करना है। वरना आप यही है कि अगर थोड़ा भूलने लगे हैं आप या कुछ आपको प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप प्लेन प्रिंट आउट निकाल के ब्लैक एंड वाइट आप उसको कलर कर लीजिए, जो भी आप अपना डिज़ाइन का कलर करना चाहते हैं, ताकि फिर उस हिसाब से आपको अंदाज़ा रहेगा कि मुझे अब कौन सा धागा किस कलर का यहाँ यूज़ करना है। ये मैंने 1, 2, 3, 4 ये लाइट कलर के बन गए मेरे। अब मैं चूंकि लाइट कलर का ही धागा यूज़ कर रही हूँ, तो पहले मैं सारे लाइट ख़त्म कर लूँगी फिर मैं डार्क करूँगी। आप ये भी कर सकते हैं कि अगर डार्क यूज़ कर रहे हैं तो पहले डार्क ख़त्म कर लीजिए फिर लाइट कीजिए। तो एक ब्लॉक छोड़कर मैं 1, 2, 3 इसी तरह 3, 3 हैं। अब इसका मैं ये ब्लॉक छोड़ दूंगी, इसलिए कि मुझे फिर बाद में डार्क करना होगा यहाँ। ये थोड़ा सा बारीक काम आपको आंखों पे जोर पड़ेगा ज़रूर, ये डॉट्स की तरह आप डॉट्स लगा के आप जब करेंगे। तो एक ऐसा पेपर भी मिलता है कि जो कि डिज़ोल्व हो जाता है, वो एम्ब्रॉयडरी के लिए ही होता है, अगर आप चाहें तो वो यूज़ कर लीजिए। वो तो बहुत आसान होगा कि आपने उसके ऊपर ही कढ़ाई की और फिर उसको बस धो लिया, तो वो बहुत ईजी रहता है। तो वो जो है हर जगह मिलता भी नहीं है, ईजीली अवेलेबल नहीं होता, और लोग अक्सर ये होता है कि घर में करना चाहते हैं ये क्रॉस स्टिच का प्लेन कपड़े पर। तो मैंने सोचा कि ये तरीका जो है इजी है, मैं आपको इस तरह बता दूं। ये भी मेरा तीन ही लाइन थी, तीन ब्लॉक्स थे, तो मैंने तीन लाइट कलर के कर लिए। मैं करके दिखाती हूँ फिर मैं डार्क करके दिखाऊंगी आपको। मैंने लाइट कंप्लीट कर लिया, तो अब मैं डार्क करूंगी। डार्क बिल्कुल अब सिर्फ तीन ही हैं, फिर हम इसको रेफर कर लेंगे कि डार्क कितने। तो डार्क सिर्फ थ्री हैं, तो मुझे थ्री बस करने हैं और फिर मेरा पूरा पैटर्न जो है वो तैयार हो जाएगा। ये देखिए हमारा तैयार हो गया। ये इसमें आप ये कर सकती हैं प्रैक्टिस करने के लिए, जैसे मैंने ये इस साइज़ का इतने बड़े बड़ा ग्राफ लिया है, तो आप जो हैं थोड़ा इससे और बड़ा ले सकती हैं ग्राफ, ताकि आप इजीली काउंट कर सकें। और अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है बिल्कुल भी, तो आप ये प्रैक्टिस थोड़ा से कर लीजिए, और फिर जो साइज़ रखना है आपको इससे छोटा भी आप कर सकती हैं ग्राफ, तो ये आपको आपका डिज़ाइन थोड़ा और छोटा हो जाएगा और आपके जो क्रॉस सारे होंगे वो थोड़े से बारीक छोटे और बनेंगे। तो आप फिर एक धागा यूज़ कर लें उसमें, मैंने जैसे डबल किया है इसमें यूज़, आप एक कर सकती हैं। आप इसका छोटा डिज़ाइन भी बना सकती हैं
इस तरह की बूटी जो है करीब करीब भी डाल सकती हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगे, आपका प्रोजेक्ट हो उसी हिसाब से आप कीजिए। तो ये कि ये बताने का मकसद ये था कि आपको डिफरेंट टेक्निक्स आनी चाहिए चीज़ों की, अगर आपका करने का दिल चाह रहा है तो। और ज़रूरी नहीं है कि आप स्टार्ट करें तो इतने बड़े फ्लावर से करें, हालांकि ये बड़ा नहीं है, लेकिन जो बिगनर्स होते हैं उनको शायद ये बड़ा लगे। तो आप छोटा सा कोई ईजी मोटिव भी यूज़ कर सकते हैं, गूगल पे ईजीली डिज़ाइन मिल जाते हैं, तो आप इसको बनाइएगा, आपको यकीनन अच्छा लगेगा। ये काम है बहुत आसान, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग जैसे मैंने कहा वो थोड़ा सा है, लेकिन टेक्निक चूंकि ईजी है तो आपको करते में इतना डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा ये, और एंड रिज़ल्ट जैसे मैंने कहा कि अच्छा आएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपका कोई कमेंट हो, कोई क्वेश्चन करना हो आपको, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए। थैंक यू।